So hey everyone, hi, this is Lovely and in this video we will study shifting of taxation. मैंने already एक video बनाया है जिसमें मैंने impact and incidence of taxation को explain किया है, इसीलिए इस video में हम shifting of taxation को देखेंगे. जब मैं impact और incidence of taxation को पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि कभी कभी जो tax का burden होता है, जैसे government ने कोई tax impose किया है वो A पे किया है, तो हो सकता है कि इमीडिएटली तो ए ने पे किया, राइट, तो हम कहेंगे कि इम्पैक्ट ए पे आया है, बट इन रियलिटी ए ने उस टैक्स के बर्डन को बी पे ट्रांसफ़र कर दिया है. ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे कि किसी प्रोड्यूसर पे अगर टैक्स लगा है तो उसने अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया और प्रोडक्ट का दाम बढ़ा करके उसने कंज्यूमर को बेचा, तो जो कंज्यूमर है उसने अल्टीमेटली पे किया उस टैक्स के बर्डन को, क्योंकि प्राइजेज उसके लिए इंक्रीज हो गए और प्रोड्यूसर ने खुद तो कुछ बियर नहीं किया. सो इम्पैक्ट ए पे था पर इंसिडेंस बी पे हुआ, यानी कि जो अल्टीमेट यानी फाइनल रेस्टिंग प्लेस जो है वो बी पे आया, तो वो हो गया इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, राइट. तो ये जो ए से बी तक गया, ए से बी तक टैक्स का बर्डन गया, इसे ही हम कहते हैं टैक्स की शिफ्टिंग, यानी कि टैक्स को किसी ने शिफ्ट कर दिया, टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर दिया, राइट. तो वी कैन से कि टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इससे हमें पता चलता है कि टैक्स जिस पे लगा है वो इंसान उस टैक्स को शिफ्ट कर सकता है. हाँ, ऐसी भी जगह है जहाँ टैक्स को नहीं शिफ्ट किया जा सकता, वहाँ पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे ही पड़ेंगे. और फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अगर ए पे लगा है तो इंसिडेंस भी ए पे होगा, बी पे नहीं ट्रांसफ़र होगा. लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ज़्यादातर, उनमें हमेशा हमें टैक्सेस के बर्डन को शिफ्ट होता देखने को मिलता है, राइट. तो शिफ्ट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ मनी बर्डन, जो मनी का बर्डन है उसका ट्रांसफर हो जाना, राइट. सो व्हेन वी गेट टू नो दैट द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड और ट्रांसफर्ड, वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस लाइक कैन अ प्रोड्यूसर शिफ्ट ऑल द बर्डन ऑफ टैक्स, क्या कोई प्रोड्यूसर सारा का सारा बर्डन ऑफ टैक्स कंज्यूमर पे डाल दे, या ये भी हो सकता है कि सारा का सारा उसे बियर करना पड़े टैक्स का बर्डन, या ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा खुद भी बियर करे और थोड़ा सा कंज्यूमर को भी बियर करने दे, राइट. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, उन्हें हम जल्द ही आंसर करेंगे, ठीक. तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शिफ्टिंग होती है टैक्सेशन की वो इन दो वेज में हो सकती है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग. फॉरवर्ड शिफ्टिंग हैपेंस व्हेन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन प्रोड्यूसर्स, व्हिच इज लाइक हियर यू कैन से द टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन प्रोड्यूसर, राइट, बट पास ऑन टू कंज्यूमर, बट अल्टीमेटली द बर्डन ऑफ टैक्स इज वॉर्न बाई द कंज्यूमर, ठीक है, जो कंज्यूमर है उसे अल्टीमेटली टैक्स को बियर करना पड़ा. जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर पे कोई टैक्स लगाया, उसने होलसेलर को थोड़ा इंक्रीज प्राइस में उसका प्रोडक्ट बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को इंक्रीज प्राइस में बेचा, तो रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को इंक्रीज प्राइस में बेचेगा, और जो फाइनल जो इंक्रीज प्राइस हुआ है वो पैसा कंज्यूमर के पास से ही तो आया, ठीक है, प्रोड्यूसर ने तो उसे एडजस्ट कर दिया था अपने प्राइस को बढ़ा करके. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसे ही फॉरवर्ड शिफ्टिंग कहते हैं, जब टैक्स तो प्रोड्यूसर पे इम्पोज हो लेकिन फाइनल बर्डन कंज्यूमर्स पे आए, ठीक है, बट इट इज पास ऑन टू कंज्यूमर्स, इसे हम फॉरवर्ड शिफ्टिंग कहते हैं. वहीं बैकवर्ड शिफ्टिंग क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्टिंग टेक्स प्लेस व्हेन कंज्यूमर्स डू नॉट परचेज कमोडिटीज एट इंक्रीज प्राइसेस. बैकवर्ड शिफ्टिंग तब होती है जब जो कंज्यूमर्स होते हैं, अगर आप उनको इंक्रीज प्राइस पे बेचे अपना माल तो उसे वो खरीदेंगे ही नहीं. अब जब वो खरीदेंगे ही नहीं तो आप ही का घाटा होगा, प्रोड्यूसर का घाटा होगा, तो प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकता है. अब प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा तो मतलब बर्डन उसके ऊपर आ गया है सारा टैक्स का, या तो बेचारा बियर करे, या उसके पास एक चारा है कि वो जो भी वेजेस देता है अपने लेबरर्स को उन्हें लोअर कर दे, ठीक है, कि कम पैसे में लेबर्स से काम करवाएं, या जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी थोड़ी कम कर दे, ठीक है, या जो रॉ मटेरियल वो लेता है उसको एकदम चीपेस्ट प्राइस में लेने की कोशिश करे. इन सब से वो टैक्स के बर्डन को यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर उसने अपनी सैलरी जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता था उसे कम कर देगा तो अब सारा बेचारे एम्प्लॉयज़ को बियर करना पड़ रहा है टैक्स का बर्डन. हाँ, पे तो प्रोड्यूसर ने इमीडिएटली कर दिया लेकिन ट्रांसफ़र तो किस पे आ गया, एम्प्लॉयज़ पे आ गया, क्योंकि उनकी सैलरी उनकी वेजेस कम हो गए, या रॉ मटेरियल वो जहाँ से लेता था उसको उसने कट कर दिया, यानी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, ठीक है, उनमें उसने किसी तरीके की हेरा फेरी करके अपने टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर दिया, या जो कैपिटल उसने जहाँ से लिया है, ठीक है, जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो एकदम कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिले उसकी वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि टैक्स के बर्डन से उसका घाटा हो रहा है, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन, इसे ही कहते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग.
backward shifting takes place when consumers do not purchase commodities at increased price, and hence the producer is left with either lowering the wages, the salaries, or finding cheapest raw material, or finding the cheapest rate of interest for his capital, right? And all that. तो ये था फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, राइट? तो अब वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या कोई प्रोड्यूसर सारा का सारा बर्डन ऑफ टैक्स ट्रांसफर कर सकता है, या थोड़ा इस पे करे ट्रांसफर, थोड़ा फॉरवर्ड शिफ्टिंग कर ले, थोड़ा बैकवर्ड शिफ्टिंग कर ले, मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करे, थोड़ा खुद बियर करे, थोड़ा फॉरवर्ड भी कर दे, थोड़ा बैकवर्ड भी कर दे, ये सब किसी पे डिपेंड तो होना चाहिए, कैसे डिसाइड होंगे? तो इसीलिए हम पढ़ने जा रहे हैं द डिमांड एंड सप्लाई थियोरी ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जो कि मॉडर्न थियोरी है, जो हमें ये बताती है कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि जो टैक्स होता है, टैक्स का बर्डन होता है, वो किस पर लाई करेगा और कितना लाई करेगा, राइट? सो लेट्स डिस्कस दैट.